हेलो एस्पीरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा, हमने जाना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनका ट्रेड होता है फाइनेंशियल मार्केट में। लेकिन वो जो मार्केट है जहां पे एक्चुअल में किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे परचेज और सेल किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर उस लोकेशन को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, और डेप्थ में हम अभी पढ़ेंगे। हल्का सा आपको बता दिया कि हमें पढ़ना क्या है। इसी के साथ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, ये चार चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। ठीक है, प्लस हमारा एक टॉपिक रहता है सेवी, जो रेगुलेट करता है NSEs को एंड BSEs को, लेकिन उसे हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, छोटा सा वीडियो, उसमें हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, चलिए थोड़ा प्रोफेशनल वे में, थोड़ा थ्योरेटिकल वे में इसे समझते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। पहले से जो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही थी उनको यहाँ पे परचेज और सेल किया जाता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस आती हैं सेकेंडरी मार्केट के अंडर। पढ़ा था हमने, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस भी बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट को। तो इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर पहले से डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर चुका है शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वो आगे उनको सेल एंड परचेज आगे फर्दर जो करता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। अब अगर आपको नहीं पता कि देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह की होती है, मनी एंड कैपिटल, कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है उसमें आती है स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, नहीं अगर आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड एवरीथिंग, तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी फाइनेंशियल मार्केट्स की, कोई 5 से 6 वीडियोस हैं वो। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाकर आप समझ जाएंगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंडा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की ही नॉलेज नहीं है, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी एग्जिस्टिंग वर्ड बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप न्यू सिक्योरिटीज को नहीं बोल सकते, एग्जिस्टिंग बोलना होता है। क्यों, इस पेज के एंड में थ्रू डायग्राम मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम बाकी चीजें देख लेते हैं। सो सच ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन ही सेल करते हैं। वैसे नहीं आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, वहां पे खड़े होना पड़ेगा, फिर कुछ परचेज करेंगे, नहीं। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाइए, जो भी इनका होता है आजकल, तो एप्स, एंजल वगैरह क्या क्या एप्स चल रखी हैं, अब स्टॉक्स बहुत सारी इतनी एड्स आती हैं, है ना। तो स्टॉक मार्केट का बहुत ट्रेंड चल रहा है आज के डेट में, हर एक इंसान इन्वेस्ट कर रहा है ना, जिनको नॉलेज नहीं भी वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। वैसे इनके मैं देख रही थी, थोड़े कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर आपको एनालाइज करना होता है उन कैंडल्स को, है ना। तो वो जो चीजें हैं सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी अफेक्टेड बाय, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर है, कैसे बेचे जाते हैं, शेयर्स हैं, कैसे बेचे जाते हैं। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड घट रही है तो प्राइस भी घटेगा। ठीक है, चलिए अगेन आपसे कहूंगी फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ के आइए, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है, और चलिए अब यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें कुछ समझना नहीं, बस याद ही करना है। ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी, मतलब दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कहां पे थी, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, नीदरलैंड्स, 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी, आज की डेट में भी ये वर्क कर रही है। नाउ हमने दुनिया की पढ़ ली, अब इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज क्या थी, देखिए द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो कि आज के डेट में है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस रहती है दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। तो इन्हीं दो के इर्द गिर्द सारा फंडा हमें पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज के अंडर। फिर इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुई थी कब, 1875 में, तो उस टाइम उसका नाम ये था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए काफी पुरानी बात हो रही है, अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पे जो भी फेमस जगह होती थी, अब देखिए जो फेमस जगह है वो आज के डेट में भी एस्टेब्लिश्ड है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, फिर आप गांधीनगर बोलते हैं, गुजरात है, अहमदाबाद है, और वेस्ट बंगाल, कोलकाता है वहां पे, है ना, और बेंगलुरु है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में चेन्नई है, ऐसे कुछ कुछ जगहें हैं
ठीक है, हैदराबाद है जो फेमस है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब उस टाइम आए उन्होंने उन जगहों को डेवलप किया है ना, वहां पे नई नई चीजें की, तो अभी इसलिए इतने सालों के बाद वो अभी डेवलप हुई है। अगर आपको अपने सिटी को डेवलप करना है तो देख लीजिए इतने सालों का मेहनत डेवलपमेंट फिर बाद में रंग लाएगी, वो जाके कुछ फेमस जगह बनेगी, है ना। दिल्ली में मुगलों का शासन हमने पढ़ा था, बंगाल में क्या पढ़ा था हमने, अंग्रेज आए थे तो उनका बहुत फेमस सेंटर था, है ना, हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा, फिर हमने एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन, काफी कुछ पढ़ रखा है। तो अब जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे ही सब कुछ एस्टेब्लिश होता था। अब आप खुद से सोचिए कि बाहर से कोई फर्म आ रही है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए सैमसंग की ब्रांच नहीं है इंडिया में, वैसे तो है, पर अगर सैमसंग को आना है यहाँ पे तो वो क्या आएगा, क्या वो किसी ऐसे एरिया में जाएगा जो रूरल इकोनॉमी है, या किसी शहर में बसना खुशी खुशी से एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर सैमसंग ने अपनी ब्रांच खोलनी है तो वो दिल्ली में सोचेगा, वो बेंगलुरु में सोचेगा, वो हैदराबाद में सोचेगा, वो कोलकाता में सोचेगा, वो गांधीनगर में सोचेगा क्या, या वो ऐसा सोचेगा कि चलो लद्दाख में जाके अपनी ब्रांच खोलता हूँ या नॉर्थ ईस्ट में जाके अपनी ब्रांच खोलता हूँ, है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो एस्टेब्लिश जगह है सब कुछ पहले वहीं पे आता है। तो वही था कि बीएससी बन गया हमारा। अब बीएससी के बाद अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आया 1894 में, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज आया 1908 में, एंड देन एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1992 में। देखिए एनएससी और बीएससी का तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, है ना। तो फिलहाल जो बेसिक चल रहा है गो विद द फ्लो कीजिए, जैसा पढ़ा रही हूं वैसा सुनते रहिए। नाउ अब ये जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, करंटली बोथ ऑफ दीज आर नॉट फंक्शनल, अब इनकी वर्किंग क्लोज्ड है। अब जो फंक्शनल स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी हैं वो है बीएससी एंड एनएससी। लेकिन इन दो के अलावा हम कॉमोडिटी एक्सचेंज के बारे में भी पढ़िए, कॉमोडिटी मार्केट होती है एक, वहां पे कॉमोडिटीज का व्यापार होता है, क्या होती है कॉमोडिटीज वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट लाइन में कुछ बताया था दैट इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग पे फोकस किया था। चलिए अब वही हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे। पहले आप स्टॉक मार्केट क्या है ये समझ गए, ठीक है। स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, है ना, स्टॉक एक्सचेंज ये एक मान लीजिए एक दुकान है या आप कोई बहुत बड़ा शोरूम है, जैसे मॉल होता है ना, वैसा है। तो मॉल में बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे मॉल को आप बोल लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल, है ना, जो यहाँ पे अलग अलग शेयर्स हैं उसको मॉल की दुकानें मान लीजिए, है ना। तो वहां पे आप क्या करेंगे, परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या सेल कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में जाइए, वहां मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने होते हैं कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं। अब यहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज वाला कंसेप्ट मैं समझाऊंगी, जो कि फर्स्ट लाइन थी हमारे वीडियो की, ठीक है। नाउ मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम है पेपर मिल्स लिमिटेड, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया प्रीति ने, ठीक है। तो अब कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया, मतलब कंपनी का अगर उसने 10% शेयर खरीदे, मतलब तो वो 10% कंपनी की मालिक बन चुकी है, शेयर होल्डर बन चुकी है, 10% ओनरशिप उसके पास है, प्रीति के पास, ठीक है। तो ये कंपनी और एक पर्सन के बीच में जब डायरेक्टली कोई ट्रांजेक्शन होती है दैट कम्स अंडर प्राइमरी मार्केट, ठीक है। लेकिन अब प्रीति बन चुकी है इन्वेस्टर, अब प्रीति नाउ शी वांट्स टू सेल, अब उसको नहीं रहना यहां पे, ठीक है। उसने परचेज की थी शेयर, शेयर होल्डर बनी थी, पर अब उसको नहीं रहना इसके ओनर, उसको और कुछ काम स्टार्ट करना, उसको कोई नया आइडिया आया है या फिर उसको कुछ और करना है, उसको यहां से मतलब कैश चाहिए वापिस, तो वो क्या करेगी, वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी। सेकेंडरी मार्केट क्या है हमारी, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सेकेंडरी मार्केट होती है, इसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। वो यहां पे जाएगी और अपने खरीदे हुए जो शेयर जो उसने कंपनी से डायरेक्टली ली थे, कंपनी से जब भी कोई डायरेक्टली लेता है शेयर्स तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांजेक्शन, प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके बाद वो इन्वेस्टर चला जाएगा। ये मान लीजिए ये बन गई हमारी प्रीति, इसको वापस बेचने हैं, ये बेचेगी स्टॉक एक्सचेंज में जाके, अपना पैसा लेगी जो भी मिलेगा, और बस इसका काम हो गया, इसको कैश मिल गया, और जिसके पास सरप्लस अमाउंट था, इस पर्सन के पास बहुत पैसा है, इसको परचेज करना है, तो ये उसको परचेज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट चलती है, पर फिर से कहूंगी फाइनेंशियल मार्केट्स के बिना नहीं समझ आएगा, या तो आपको पहले से आपने पढ़ रखा हो वो बात अलग है। ये हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने जाना कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और बिल्कुल बेसिक सी चीजें, ठीक है। अब एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, कॉमोडिटी मार्केट क्या है, कॉमोडिटी मार्केट के लिए भी अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, तो ये सब कुछ अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस बीएससी एनएससी, है ना, इनका रेगुलेटर सेबी एंड कॉमोडिटी मार्केट। बार बार आपको याद दिला रही हूँ, रिवाइंड कर रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द बीएससी, एंड बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और इंडिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है. नाउ फाउंडेड इन 1875 एज, ये हमने पहले पढ़ रखा है, जब 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया गया था, इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. किसके द्वारा? प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा, जो कि बिजनेसमैन थे. आगे अब देखिए, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो छोटे मोटे एग्जाम्स है ना उनमें ऐसा आता है, अगर आप यूपीएससी या एसएससी कुछ ऐसे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना. एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज आ सकता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, या कौन से एक्ट के अंडर रिकॉग्निशन मिली, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है. बाकी यूपीएससी में वहां तो करंट बेस्ड आएगा, वहां पे आपको करंट अफेयर अगर कोई बीएससी से रिलेटेड आया है तो आपको उस हिसाब से स्टडी करनी होगी. चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में फॉर्मेशन हुई थी, ये इसका पहले नाम था, फिर नाम चेंज हो गया, बीएससी हो गया, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, हैज मोर देन 6,000 कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएससी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 6,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है. एंड ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. ये एक्ट जब आया था तो उसके अंडर परमानेंट लेवल पे रिकॉग्निशन मिल गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को. अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हमें ये समझ में आ जाता है, लेकिन हमें समझ में क्या चीज नहीं आती है, समझ में हमें नहीं आता है ये सेंसेक्स क्या होता है. देखिए, बीएससी का अपना एक इंडेक्स है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं, एनएससी का अपना एक इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी 50 कहती हैं या निफ्टी कहते हैं. चलिए, अब सेंसेक्स समझने से पहले मैं आपको ये तो समझा दूं कि इंडेक्स होता क्या है ना. चलिए, ये पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको सेंसेक्स समझाऊंगी, आपको बिना समझाए ही समझ आ जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा इस डायग्राम से समझ के, ठीक है. तो हमने क्या कहा कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट की तरह, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बीएससी एंड एनएससी हैं, सुपरमार्केट या मॉल्स टाइप होते हैं, सुपरमार्केट जहां पे आपको हर चीज मिलती है, ठीक है, खाने का सामान भी मिल जाता है, परफ्यूम भी मिल जाता है, साबुन सोप ब्रश भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, आपको जूस भी मिल जाता है, आपको पनीर भी मिल जाता है, आपको सब्जियां भी मिल जाती है, सब मिल जाता है सुपरमार्केट में, ठीक है. तो स्टॉक एक्सचेंज हो गई बहुत बड़ी मार्केट जहां पे दो सुपरमार्केट्स हैं, बीएससी एंड एनएससी. बीएससी अपना इंडेक्स जारी करती है सेंसेक्स, जिसे बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स. एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सुपरमार्केट है, वो अपना इंडेक्स जारी करती है जिसे कहते हैं निफ्टी 50. चलिए देखते हैं, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से. आप सब्जी की दुकान में जाते हो, ठीक है, वहां पे भिंडी है, आलू है, गोभी है, पत गोभी, फूल गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, कितनी सारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, है ना. तो अब आपको जानना है कि सब्जियां आजकल क्या रेट चल रही हैं, तो आप क्या हर एक सब्जी का पूछोगे, हाँ भाई आलू बताओ, हाँ भाई प्याज बताओ, हाँ भाई टमाटर बताओ, हाँ भाई भिंडी बताओ, नहीं. आप क्या करते हो, हम ऐसे देखते हैं टमाटर का क्या चला है, प्याज का क्या चला है, उससे आइडिया लगा लेते हैं, थोड़ा सा हमें मौसम का पता होता तो हम वैसे आइडिया लगा लेते हैं कि आजकल टमाटर महंगे, चलो कम कम खाओ. चली थी ना न्यूज की किसी ने 2 करोड़ का कमा लिए बॉम्बे में, है ना, तो एक आइडिया लगा कि टमाटर के रेट बढ़ गए तो बाकी के भी थोड़े थोड़े बढ़ गए होंगे, है ना. अब सारी सब्जियों का हम रेट वहां पे नहीं पूछ सकते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2-4 का पूछते हैं, उससे आइडिया लगा लेते हैं कि सारी महंगी होगी है आजकल, चलो अभी हम ऐसे काम चला लेते हैं, परांठों परांठों से बाद में आएंगे. ये हो गया एक तुक्का. वही चीज यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी भी करता है. बीएससी में 6,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, एनएससी में 1,500 से 2,000 तक कंपनीज लिस्टेड हैं. अब अगर हमें जानना है कि बीएससी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एनएससी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उसको हम सेंसेक्स एंड निफ्टी से चेक कर सकते हैं. ओवरऑल जो भी टॉप की कंपनीज है, बीएससी में हमने क्या पढ़ा, 6,000 कंपनीज के आसपास जो कंपनीज है वो लिस्टेड है, वो अपने शेयर इशू कर सकती है. लेकिन बीएससी की जो टॉप 50 है, सॉरी टॉप 30, सेंसेक्स होता है हमारा 30 का, निफ्टी होता है हमारा 50 का. तो जो टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है, वो लिस्टेड हैं सेंसेक्स पे, तो उनके रेट बाहर शो किए होते हैं, ठीक है ना. कई बार सब्जी वाले ने भी बाहर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के रेट लिखे होते हैं, सबके नहीं लिखे होते हैं, तो हम वहां से आइडिया लगा लेते हैं. तो ये सेंसेक्स में इन 30 शेयर्स के प्राइस देख के हम आइडिया लगाएंगे कि ये बढ़ रहे हैं आजकल प्राइस कि कम हो रहे हैं, लेने चाहिए कि बेचने चाहिए, ठीक है. वही चीज एनएससी के केस में निफ्टी करता है. इसमें 35 नहीं, इसमें 50 कंपनीज जो होती हैं टॉप की, वो अपना उनका स्टॉक का जो शेयर का जो प्राइस होता है वो सामने डिस्प्ले किया जाता है, उस ग्राफ से पता चल जाता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है. तो ये निफ्टी और सेंसेक्स एक ऐसे इंडेक्स हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बीएससी एंड एनएससी ग्रोथ कर रही है या नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया. अब चलिए, अब हम सेंसेक्स देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या बोलता है. ओके, पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, द सेंसिटिव इंडेक्स. ओके, दिस इज द की मार्केट इंडेक्स ऑफ बीएससी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है मार्केट में, उसको बताता है सेंसिटिव इंडेक्स.
इट इज एन इंडेक्स ऑफ 30 मोस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड एंड मॉनिटरली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएससी. बीएससी पे 30 टॉप की जो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, प्लस मॉनिटरी फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में, फाइनेंस की फॉर्म में बहुत ही स्ट्रांग वर्थीनेस वाली वर्थ वाली कंपनीज हैं, वो सारी उन जो 30 है ना, उन सबका इंडेक्स है ये, उन सारी कंपनीज का इंडेक्स है ये, मतलब उन सबके रेट ये शो करता है. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज इंडियन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट पल्स. इंडिया की जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट है उसकी नर्व हम इसे कहते हैं सेंसेक्स को. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझ नहीं आया हो. नहीं समझ आया ये सब्जी और ये वाला आप डायग्राम जरूर बनाएं, है ना, जो मैंने कहानी सुनाई फिर आपको याद आ जाएगी. ऐसे वेजिटेबल वेंडर प्राइसेस ऐसा कुछ लिख ले, फिर जो ये वाली कहानी मैंने आपको सुनाई आपके दिमाग में आ जाएगी. ठीक है, और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कवर कर लिया बीएससी. मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा, जो भी है यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा मुझे. और ये भी नहीं लगता कि कहीं आपको और कहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा. प्लस हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के फील्ड में जाते हो, है ना, जो प्रॉपर मतलब परचेज एंड सेलिंग करती हैं शेयर्स की, है ना, बहुत सारी वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट पे भी, तो वो तो बिल्कुल अलग चीज है, उसमें तो ऑब्वियसली बहुत डेप्थ में होगा. बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर देन इनफ आई बिलीव. नाउ करंट अफेयर्स देखते रहे, कहीं पे आपको लगता है कि कुछ नया आया यहाँ पे ऐड कर ली, यहाँ पे ऐड कर ली. हमेशा कहती हूँ नोट्स में हर एक टॉपिक के बाद आधा सा पेज छोड़ दें, क्योंकि उससे रिलेटेड कभी भी न्यूज आ सकती है. रामसर कन्वेंशन साइट से कोई और ऐड हो गई, अब क्या करेंगे, है ना. यूनेस्को हेरिटेज साइट है, नोट्स बना लिए, एक और एक क्या, एक तो वो ऐड ही नहीं करते, जीआई टैग है, एक तो वो ऐड ही नहीं करते, सीधे 6-7 ऐड होते हैं, तब आप क्या करोगे, है ना. तो आपको थोड़ा सा नोट्स के अपग्रेडेशन के लिए जगह चाहिए होती है. ठीक है, चलिए अभी हमने बीएससी पढ़ा, वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें एनएससी के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर. नाउ दिस इज द लास्ट पेज. एनएससी के बारे में पढ़ेंगे, निफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, कॉमोडिटीज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे. सो हियर एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जैसे बीएससी है वैसे ही एनएससी है. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1992 में. इट इज अ फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज विद अ नेशन वाइड प्रेजेंस. पूरे इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन बैठ के आप एनएससी से शेयर्स परचेज कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए मैंने इतना ही लिखा था, लेकिन जब मैं अलग अलग जगह पे सर्च करने लगी डेटा, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले एनएससी के बारे में, जो कि मैंने यहां पे ऐड ऑन कर दिए. तो आप चाहें तो यहीं पे लिख लें, अदरवाइज ऐसे लिख लें जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगती है. ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले तो मैंने फटाफट से यहां पे ऐड कर लिए हैं. नाउ इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट. बीएससी बड़ा है या एनएससी, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एनएससी बड़ा है, इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है. ठीक है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब कि कितना ट्रेड होता है, कितने रुपए कितने पैसों का ट्रेड होता है उस हिसाब से. नाउ एनएससी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिक्योरिटी एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी. इसको स्टॉक एक्सचेंज माना गया एनएससी को 1993 में सेबी के द्वारा. अब सेबी क्या है, सेबी ही रेगुलेट करता है बीएससी और एनएससी को. ठीक है, हमने पढ़ रखा है मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई. कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी. ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज हमारा कैपिटल मार्केट में ही आता है. कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं. सो एनएससी की फॉर्मेशन तो 1992 में हो गई, लेकिन इसे स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया बाय सेबी इन 1993. डोंट वरी, सेबी क्या है अगले वीडियो में हमें सेबी ही पढ़ना है. एंड इट कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1994. इसके जो ऑपरेशन है, जो वर्किंग है, वो स्टार्ट हुई थी 1994 में. हेडक्वार्टर्स है मुंबई में. ठीक है, अब जैसे बीएससी ने अपना की इंडेक्स जारी किया हुआ है सेंसेक्स, वैसे ही एनएससी ने भी अपना की इंडेक्स जारी किया हुआ है, जिसे बोलते हैं निफ्टी. अब हियर निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50. एनएससी ने 50 कंपनीज को कंसीडर किया हुआ है, उनके प्राइसेस बताती रहती है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं क्या चला है. चलिए, नाउ दिस इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ एनएससी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी स्टॉक मार्केट है निफ्टी. It showcases the top 50 equity stocks listed on the stock exchange out of a total 2000. Total 2000 के आसपास companies हैं जो listed हैं NSE पे, National Stock Exchange पे. कई जगह आपको 1750 मिलेगा, कई जगह आपको 1600 मिलेगा. तो आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कितनी कंपनीज लिस्टेड है, बट मोटा मोटा पता होना चाहिए. बीएससी में 6000 के आसपास है, एनएससी में 2000 के आसपास है. नाउ इन 2000 में जो 50 टॉप की कंपनीज है, उनके शेयर्स को निफ्टी में एनएससी शो करता है, ताकि आप आइडिया लगा सको कि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है. ठीक है,
ऑल्सो कॉल्ड एज, अब निफ्टी को और क्या कहते हैं, निफ्टी 50 भी कहते हैं, निफ्टी सिंपल भी कहते हैं, निफ्टी सीएनएक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एनएससी एंड निफ्टी। अब आगे चलते हैं, कॉमोडिटीज मार्केट होती है, ठीक है ना, हमारी और भी एक्सचेंजेस होती है। लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, अब इसको आपने इग्नोर नहीं करना कि अरे ये तो कुछ टफ सा है, कॉमोडिटीज में क्या ही होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, आप एक बार सुने मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको एकदम से समझ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों, अब कॉमोडिटीज मार्केट हमारी एनएससी या बीएससी पे इनके शेयर्स नहीं बिकते हैं, इनके बिकते हैं अलग से स्टॉक एक्सचेंजेस में, पढ़ेंगे हम। ठीक है, पढ़ेंगे, बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। कॉमोडिटीज मार्केट क्या होती है, जहां पे कॉमोडिटीज का ट्रेड होता है, इट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज को परचेज भी किया जाता है, कॉमोडिटीज को सेल भी किया जाता है, तो वो हो गई आपकी कॉमोडिटीज मार्केट। कॉमोडिटीज क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप सुनते रहिए जो मैं बोल रही हूँ। इसको रेगुलेट करता है सेबी। अब सेबी ने भी आगे फ्यूचर कमीशन बहुत सारे बना रखे हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, बट ओवरऑल जैसे एनएससी और बीएससी सेबी के अंडर आती है, हमारी कॉमोडिटीज मार्केट भी सेबी के अंडर आती है। एंड हियर सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में जब सेबी पढ़ाऊंगी तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये कहां से आ गया, हमने 10 बार जिक्र कर लिया इसी वीडियो में सेबी का। ठीक है, चलिए, कॉमोडिटीज मार्केट को भी यही रेगुलेट करता है। ओके, अब कॉमोडिटी में आपको समझाऊंगी, अभी रुकिए, पहले समझिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। कॉमोडिटीज मार्केट दो तरह की होती है, हार्ड कॉमोडिटीज एंड सॉफ्ट कॉमोडिटीज। हार्ड माने विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ऐसी चीजें जिनको आप अर्थ से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हो, बेशक ओर्स की फॉर्म में फिर रिफाइनिंग करते हो, वो चीज अलग है। तो इसमें आ जाती है मेटल्स, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, इस तरह की चीजें। इन ये जो हार्ड कॉमोडिटीज हैं, इन कॉमोडिटीज को कहते हैं नॉन एग्रो कॉमोडिटीज, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉमोडिटीज नहीं है ये। और अगर इनकी खरीद या बेचत करनी हो, सेलिंग एंड बाइंग करनी हो, तो कहां होगी, एमसीएक्स में होगी। एमसीएक्स क्या है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो क्वेश्चन आ जाता है नॉन एग्रो कॉमोडिटीज के कहां पे ट्रेडिंग होती है, एनएससी में या बीएससी में या एनसीडीएक्स में या एमसीएक्स में, एमसीएक्स में होती है। ठीक है, नाउ कॉमोडिटीज, यहां से आइडिया लग गया, चीजें है ना, यहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदोगे, कंपनी के बॉन्ड्स नहीं खरीदोगे, आपके खरीदोगे चीजों को, सामान को। गोल्ड खरीद लिया जी, ठीक है, तो वो आपको एक्चुअल में गोल्ड नहीं देंगे, बट उसके हिसाब से कुछ आपको प्रूफ देंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉमोडिटीज होती है जैसे फूड ग्रेन्स है, मीट है, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, ये भी अर्थ से ही आता है, लेकिन अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये होती है एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज या एग्रो कॉमोडिटीज। अब एग्रो कॉमोडिटीज को खरीदना है, बेचना है, तो एनसीडीएक्स की जरूरत है। एनसीडीएक्स क्या है, ये है नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। यहां पे जाके आप एग्रो कॉमोडिटीज का ट्रेड कर सकते हो, इसके हेडक्वार्टर्स भी है मुंबई में। तो अब कॉमोडिटी समझ में आ गया, चीजें सामान। कॉमोडिटीज में क्या डेफिनेशन दूं मैं आपको, ठीक है, नॉर्मल चीजें जो होती है, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। हार्ड में हो गया आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, नॉन एग्रो। सॉफ्ट में हो गया जो खेती बाड़ी खाने पीने से रिलेटेड है, एग्रो कॉमोडिटीज। नॉन एग्रो को आप एमसीएक्स में जाकर जो है ट्रेड कर सकते हो, एग्रो कॉमोडिटीज को आप एनसीडीएक्स में जाकर जो है ट्रेड कर सकते हो। दोनों के ही हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, फुल फॉर्म याद कर लो, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो क्या इसमें कुछ टफ था, नहीं था, सिंपल था, राइट? तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, मुझे एक बार बताएं कि कॉमोडिटीज मार्केट कितने तरह की होती है, ताकि मैं देखूं तो सही कितने लोग पहुंच पाते हैं एंड तक वीडियो के। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे सेबी के बारे में। अब ये सेबी है क्या, तो देखिए, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस हमने पढ़ी थी, बीएससी है, एनएससी है एंड कॉमोडिटी मार्केट। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम सेबी के पास होता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंडर ही हम सेबी को पढ़ते हैं, लेकिन हमने स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या क्या पढ़ा, चलिए थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि स्टॉक एक्सचेंजेस होती क्या है, ठीक है, वहां पे जो प्राइस है स्टॉक्स का वो कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। दुनिया की सबसे पुरानी यानी कि दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी थी, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड्स में। इंडिया की पहली बीएससी थी 1875 में, इसका नाम पहले कुछ और था बट बाद में नाम चेंज हो गया और वो बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में इंडिया में हुआ था ओपन। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हमने समझा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। देखिए, जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है ना, उसी को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था।
उसके बाद में हमने जाना कि इंडिया के लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं। बीएसई है, बीएसई एक जारी करती है इंडेक्स जिसे हम कहते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? द सेंसिटिव इंडेक्स। अब सेंसेक्स कैसे वर्क करता है, सेंसेक्स क्या बताता है, वो मैंने आपको यहां पे एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल लिया था, एक वेजिटेबल वेंडर का एग्जाम्पल लिया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर स्टॉक एक्सचेंज हमारी मार्केट है उसमें दो सुपर मार्केट्स हैं बीएसई एंड एनएसई, जहां पे हर एक चीज मिलती है, जैसे कि आपके आपको कुछ कपड़े मिल जाएंगे, आपको परफ्यूम मिल जाएगा, आपको साबुन मिल जाएगा, आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, आपको शैम्पू मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है सुपरमार्केट में। ठीक है, तो यानी कि बीएसई में हर तरह के शेयर्स आप परचेज कर सकते हो, एनएसई में हर तरह के शेयर्स आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यह जानना है कि मार्केट का जो प्राइस अभी बढ़ रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, तो उसके लिए बीएसई ने अपना इंडेक्स जारी किया है जिसे कहते हैं सेंसेक्स, और एनएसई ने अपना इंडेक्स जारी किया है जिसे कहते हैं निफ्टी। इन डिटेल पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में जाएं, दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एनएसई क्या होती है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका भी अपना एक इंडेक्स है, मार्केट इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। निफ्टी 50 कहते हैं, निफ्टी सिंपल कहते हैं, निफ्टी सीएनएक्स कहते हैं, एक ही बात है, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। अब देखिए ये जो एनएसई और बीएसई है इसे रेगुलेट कौन करता है, सेबी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा सेबी एक और चीज को रेगुलेट करता है जो कि क्या है, कॉमोडिटीज मार्केट है। कॉमोडिटीज क्या होता है, सामान जिसे आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस में। ये दो तरह की होती हैं, हार्ड कॉमोडिटीज एंड सॉफ्ट कॉमोडिटीज। हार्ड कॉमोडिटीज में आती हैं नॉन एग्रीकल्चरल चीजें, जैसे कि ऐसी चीजें जिनको आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। सॉफ्ट कॉमोडिटीज में आती हैं आपकी वो चीजें जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका फूड ग्रेन्स हो गया, मीट हो गया, है ना, मतलब एग्रीकल्चर या खाने वाली। तो हार्ड कॉमोडिटीज को नॉन एग्रो कॉमोडिटीज भी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉमोडिटीज को एग्रो कॉमोडिटीज भी बोलते हैं। अब अगर नॉन एग्रो कॉमोडिटीज का ट्रेड आपको करना है, इनको आपको परचेज एंड सेल करना है, तो आप एमसीएक्स में जाओगे, विच इज द मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। अगर आपको एग्रो कॉमोडिटीज यानी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का लेन देन करना है, तो आप एनसीडीएक्स में जाओगे, विच इज नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। दोनों के ही हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और कॉमोडिटीज मार्केट का रेगुलेटर भी सेबी है। तो अब आपको समझ में आया कि सेबी एकदम कहां से उड़ के आ गया, हम क्यों एकदम सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिस पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला है सेबी, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो आज हम इन एक्सप्लेनेशन इंटेंसिव स्टडी करेंगे। ओके, अब रिवाइज हमने कर लिया क्या पढ़ा था, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन कंटेंट। सेबी, हियर सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए पेपर पेन निकाले और जो जो मैं बोल रही हूँ फटाफट से लिखते चले, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई टेक्निकल चीज नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं समझना है। ठीक है, कहानी सुनते रहिए जो मैं सुना रही हूँ और अपना हाथ चलाते रहे। ठीक है, सो सेबी हियर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कॉमोडिटी मार्केट इन इंडिया। जो सिक्योरिटीज मार्केट है इंडिया में यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जो कॉमोडिटी मार्केट है इंडिया में एनसीडीएक्स एमसीएक्स, उन सबको रेगुलेट करने वाली बॉडी है सेबी। बैंकिंग सिस्टम है हमारा, चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबको आरबीआई की सुननी पड़ती है, सबको आरबीआई की गाइडलाइंस उसके रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। वैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारी, जो कॉमोडिटी मार्केट के एक्सचेंजेस हैं हमारी, उनको भी सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि सिर्फ सिक्योरिटी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को ही ये कंट्रोल नहीं करता है, उसी को रेगुलेट नहीं करता है, कॉमोडिटी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, जब जरूरत फील होती है। देखिए संविधान में तो कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि सेबी होना चाहिए, है ना, तो जो तो देखिए संविधान के बेसिस पे कोई चीज बनती है तो उसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि इस तरह की कोई बॉडी होनी चाहिए और एकदम से जरूरत है, तो वो एकदम से एक एक्शन पास करते हैं, एक कहते हैं कि हाँ ये चीज होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन पास करते हैं, जिसके अंडर कोई बॉडी बनती है उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये बनाई गई थी 12 अप्रैल 1988 में। लेकिन उसके बाद स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे 1992 में दिया गया। अब स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है, देखिए स्टैट्यूटरी स्टेटस अगर कोई भी बॉडी बनती है बाय पासिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हम उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहां पे सेबी पहले तो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, क्योंकि एकदम से एक्शन लिया गया किस तरह की बॉडी बननी चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया तो 1988 में यह बन गई। लेकिन अब इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में दिया गया, इसका मतलब यह है कि 1992 में सेबी से रिलेटेड कोई एक्ट पास किया गया। वो एक्ट था सेबी एक्ट 1992, जिसके अंडर इसे जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस
स्टेटस मिला, मतलब पार्लियामेंट को लगा कि सच में जरूरत है और उन्होंने एक्ट पास किया, कुछ प्रॉपर प्रोविजंस बनाए और फिर सेबी बना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करें, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है। चेयरपर्सन की बात करें, कोई आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद होता, इसको आप बिल्कुल स्किप कर दें, माधवी पुरी बुश। अगर रिसेंटली अपॉइंटमेंट हो तब तो ऑब्वियसली जरूरी है, बहुत जरूरी है, तब तो उस पर्सन का बैकग्राउंड भी जरूरी है, लेकिन ये पहले के बन रखे हैं, करंट अफेयर्स में तो हमने नहीं पढ़े हैं। पिछले एक साल से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूं, है ना, तो करंट अफेयर्स में नहीं पढ़े, इसको आप स्किप कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है याद करने में। लेकिन टेन्योर नहीं स्किप करना, टेन्योर कितना होता है, जो भी चेयरपर्सन होगा सेबी का उसका टेन्योर होगा 5 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर, इंडियन पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दैट व्हाट डज दिस मीन, विच एवर इज अर्लियर का क्या मतलब है, बाकी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट है, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, एक पर्सन बार बार चेयरपर्सन बन सकता है सेबी का, और सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, कितने मेंबर्स हैं, कितना क्या है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बट एक बार देख लें, उसके बाद सुन लें, फिर चाहे स्किप कर दें। एक चेयरमैन होता है, हर एक कमीशन का होता है, एक ऑफिसर इसमें आरबीआई से आएगा, 2 यूनियन गवर्नमेंट से आएंगे, और 5 जो है उसको यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, मतलब वैसे ही सिलेक्ट करेगी, कोई कुछ वहां पे इलेक्शन नहीं होंगे, वैसे सिलेक्ट करेगी। ठीक है, अब फंक्शंस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कॉम्पोजिशन भूल जाइए, आप चेयरपर्सन भूल जाइए, पर अगर आपको सेबी के फंक्शन ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं आपके पढ़ने का। एक तो हमने पढ़ा दैट इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, उसको तो आप बिल्कुल रट के पी लो, ठीक है, ये लाइन एज इट इज ही लिखनी है आपको पेपर में, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसके अलावा फंक्शंस की बात करती है, तो 3 चीजों को ये रेगुलेट करता है, क्या सेबी क्या क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, रेगुलेट्स प्लेसेस एंड रेगुलेट्स पर्संस, लोगों को रेगुलेट करता है, किसी जगह को रेगुलेट करता है, और कुछ सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है। चलिए इन डिटेल देखते हैं। सो इशूइंग सिक्योरिटीज में अगर जैसे बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फॉलो पब्लिक ऑफर है, पढ़ाया है ना मैंने आपको आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इशूज, राइट इशूज, है ना। नाउ इन सबको इशू करने का काम इसका नहीं है, बट इशू कैसे हो रहे हैं, किस प्रोसेस से हो रहे हैं, क्या चीजें, क्या गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, वो उस चीज को रेगुलेट करने का काम किसके पास है, सेबी के पास है। ये जो इशू करता है सिक्योरिटीज, जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो ये इशू करती हैं सिक्योरिटीज, वो जो प्रोसेस है पूरा, उसको रेगुलेट करने का काम सेबी के पास कब आया, कैसे आया, कहां से आया, थ्रू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, चलिए ये एक्ट आप छोड़ दीजिए, इतना भी नहीं है समझने का। फंक्शंस, रेगुलेट्स प्लेसेस, सेकंड फंक्शन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, कॉमोडिटी एक्सचेंज है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो सच में एग्जिस्ट करती है, उसको भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट पर्संस, कौन कौन से पर्संस, इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यानी सरकारी कंपनीज, इन सबको भी ये रेगुलेट करता है। तो याद रखना कि ये रेगुलेट करता है किसको, प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, प्लेसेस एंड पर्संस। अब अगर सेबी ने कोई डिसीजन दिया और किसी को वो डिसीजन सही नहीं लगे तो वो क्या करेगा, ठीक है, क्या वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा, कहां जाएगा। देखिए इसका प्रॉपर अपना एपिलेट मैकेनिज्म भी है, एक ट्रिब्यूनल बना है सेट, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये भी सेबी एक्ट 1992 के अंडर ही बना था। सेबी एक्ट 1992 के अंडर क्या हुआ था, सेबी को मिला था स्टैट्यूटरी स्टेटस। इससे पहले फॉर्मेशन कब हो गई थी, 1988 में। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहां पे है, मुंबई में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सिक्योरिटी प्लेसेस पर्संस को रेगुलेट करता है। अब हम इसका एपिलिएट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, सेट सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल, ये बना अंडर सेबी एक्ट 1992। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कोई जाता है, किसी को सेबी का डिसीजन नहीं सही लगा, वो सेट में जा सकता है, अगर वो वहां के डिसीजन से खुश नहीं है तो उसके बाद में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसे हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अब सेट कौन कौन से इश्यूज को मैनेज करता है, सेबी से कोई खुश नहीं है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से खुश नहीं है, ये हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इससे खुश नहीं है, इनके इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है या इनका कोई डिसीजन आया है उससे कोई पर्सन ग्रीवियंस अपना शो कर रहा है तो वो सेट में जा सकता है, वहां से भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो मैंने फटाफट से पढ़ा दिया, बहुत टाइम नहीं लगाया। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया वो हो गया कंप्लीट। एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, कॉमोडिटीज मार्केट, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, सेबी, टिप्स पे जब आपको हो जाएंगे उसके बाद में समझ लेना कि आपकी कमांड सिक्योरिटी, ये जो हमारा सिक्योरिटी सेक्टर है या सिक्योरिटी सेक्टर नहीं करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज जो सेक्टर है इस पे अच्छी हो गई है। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। अभी तीन चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो कोशिश कर रही हूँ फटाफट से सारी वीडियोस अपलोड कर दूं और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेहनत देखिए मैं इसके लिए करती हूं, अगर मैंने सेबी का एक पेज लिखा है तो कम से कम 4 या 5 वेबसाइट्स मैंने सर्च की हैं, अलग अलग जगह पे कंटेंट सर्च किया है। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि वो आपको लिख के मतलब स्क्रीन पे लिखते हैं फिर पढ़ाते हैं, है ना, तो वहां पे तो कंटेंट मिलना यूट्यूब पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स अगर आप यूपीएससी की देखेंगे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, और आपको सारा नहीं पढ़ना होता क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें देखें, फैक्ट्स देखें और फैक्ट्स लिखते चलें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो देट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो देट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।